सब आउट, ये आउट क्यों हुए बाबू? और ये जो राजस्थान है ना, मैं आज कह रहा हूँ राजेश जी, 6 महीने में ये सरकार जाएगी गुलाबचंद कटारिया के। कारण क्या कि हाँ आपस में ही माथे फूट रहे हैं होटलों में बंद करने के लिए। मैंने कहा जो बैठे तुम क्यों बंद हुए रे? क्योंकि तुम चाहते थे लड्डू इसको मिले कि मुझको मिले, लड़ाई तो इसी बात की थी ना। वो पार्टी क्या देश बनाएगी जो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, वो आज नहीं तो कल। जिस दिन भी आंकड़ा बराबर बैठा नहीं उसी दिन गाड़ी पलट। ठीक है अंग्रेजी कह रहे हैं, हम ये करेंगे। हम क्या करेंगे यार, तुम्हारा इतिहास बड़ा खुटा रहा, तुम्हारी पार्टी डूबी इसलिए तुम अभी भी नहीं सुधर रहे हो। तुम्हारी पार्टी इसलिए डूबी है कि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, बाकी कोई काबिल पैदा ही नहीं होता है धरती पर। और हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो रेलवे स्टेशन पर पिताजी के साथ चाय का पकड़ करके लोगों को चाय पिलाता था, वो चाय पिलाने वाला बेटा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है।